नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का मामला गुत्थी सुलझ न सकी। विफाकी हुकूमत किसी भी शख्स का नाम ECL से निकालने की मजाज है। वजारत दाखिला खुद मामले का नोटिस दे। मेडिकल रिपोर्ट्स पर नैब का वजारत दाखिला को जवाब। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का मामला मजीद पेचीदा हो गया। वजारत दाखिला को लिखे खत में नैब ने मौकिफ इख्तियार किया कि हुकूमत नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की मजाज है। माजी में भी हुकूमत ने नैब के इल्म में लाए बिना मुतादिद अफराद का नाम ECL से खारिज किया और अब भी वो नाम खारिज करने का इख्तियार रखती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नैब ने हुकूमत को लिखे गए खत में ना तो ECL से नाम निकालने की हिमायत की है ना ही मुखालफत की है। नैब के जवाब के बाद मामला एक बार फिर वफाकी हुकूमत के पास चला गया है। उधर खबरें हैं कि नवाज शरीफ की हालत बदस्तूर तश्वीशनाक है। उनके प्लेटलेट सेल्स में कमी बदस्तूर जारी है। उन्हें मरकजी लंदन के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाने के इंतजामात मुकम्मल हैं, जहां उनकी तिब्बी टीम को भी तैयार रहने की हिदायत की गई है। नवाज शरीफ को उसी अस्पताल में दाखिल करवाने के इंतजामात किए गए हैं, जहाँ वो माजी में भी जेरे इलाज रह चुके हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने एक बयान में बताया है कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क ले जाने वाली एयर एम्बुलेंस बुध को पहुंचेगी। डॉक्टर ने नवाज शरीफ की नाजुक सेहत देखते हुए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करने का कहा। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक डॉक्टर्स की तशवीश बढ़ती जा रही है।